Hello everyone, to river and water से, अलग अलग तरीकों से पानी को कंजर्व एंड मैनेज करने की कोशिश की जा रही है पुराने टाइम पे भी डैम्स चैनल्स ये सारी चीजें बनाई जाती थी और वही सेम चीज अब हम भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम भी डैम्स वगैरा बना रहे हैं सो so, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि डैम्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो हमें वाटर को कंजर्व एंड मैनेज करने में हेल्प करते हैं डैम्स डैम्स वर टू टू रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी एग्रीकल्चरल फील्ड्स तो जो हैं वो किस लिए बनाए जाते थे पुराने टाइम पे जो रिवर है उसके पानी को रोका जा सके इसके साथ साथ जब बारिश आती है तो उस बारिश के पानी को भी इकट्ठा किया जा सके इम्पाउंड मतलब एक तरीके से रोकना और इकट्ठा करना तो जो बारिश का पानी है रिवर का पानी है उसे इकट्ठा करना रोकना ताकि उसको बाद में एग्रीकल्चरल फील्ड्स में खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सके मतलब जो खेत है उनमें पानी देने के लिए सिंचाई के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस फ्लड कंट्रोल रिक्रिएशन इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग तो आज के अगर हम टाइम की बात करें तो जो डैम्स है वो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के पर्पज से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कारणों के लिए बनाए जाते हैं इरिगेशन के अलावा डैम्स का हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं मतलब बिजली बनती है डैम्स की मदद से इसके अलावा डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी को सप्लाई किया जाता है मतलब जो शहर हैं बड़े बड़े शहर हैं उनमें पानी जो है कई बार आप देखोगे डैम्स के, के थ्रू जाता है मतलब जो डैम्स में पानी इकट्ठा किया है स्टोर किया है उसके थ्रू पानी की सप्लाई बड़े बड़े शहरों को की जाती है ताकि वहां पे जो हाउस होल्ड है जो घर हैं वो पानी जो है इस्तेमाल कर सके इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं उनको भी पानी पहुंच सके फ्लड कंट्रोल के लिए डैम्स बनाए जाते हैं मतलब अगर बाढ़ वगैरह आ रही है तो उस ताकि वो कंट्रोल हो जाए उसके लिए भी डैम्स बनाए जाते हैं बाढ़ कैसे कंट्रोल होगी मतलब मान लो ये नदी आ रही है अब यहाँ पे डैम है और ये है मतलब यहाँ पे आप मान लो ये रिजर्वॉयर है और यहाँ पे डैम है तो जब यहाँ पे मान लो नदी में जब बाढ़ वाली सिचुएशन आएगी बाढ़ का मतलब क्या होगा कि जब नदी में जरूरत से ज्यादा पानी आ जाएगा तो अब होगा क्या क्योंकि यहाँ पे रिजर्वयर है तो रिजर्वॉयर की इतनी कैपेसिटी होगी कि वो एक्स्ट्रा पानी को यहाँ होल्ड कर सके तो इससे मतलब इस चीज की वजह से क्या होगा कि यहाँ एक्स्ट्रा पानी होल्ड हो जाएगा और आगे इस इलाके में पानी जो है वो बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से जाएगा और बाढ़ नहीं आएगी जो एक्स्ट्रा पानी बाढ़ की वजह से आने वाला था वो यहीं पे रुक गया और यहाँ पे नॉर्मल पानी जा रहा है और इन इलाकों में इस नदी के आसपास वाले इलाकों में फिर बाढ़ नहीं आएगी तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी क्या किया जाता है डैम्स बनाए जाते हैं इसके अलावा रिक्रिएशनल पर्पज के लिए डैम्स बनाए जाते हैं जैसे कि बोटिंग वगैरह के लिए और लोग जो है टूरिस्ट की तरह वहां पे जाते हैं डैम्स को देखने जाते हैं बहुत ही जो वहां की सीनरी है वो काफी अच्छी होती है तो बोटिंग वगैरह के पर्पज से जो है डैम्स काफी सही रहते हैं इनलैंड नेविगेशन के लिए इनलैंड नेविगेशन मतलब कि जो नदियों के थ्रू ही जो नेविगेशन होता है जैसे एक हो गया वो नेविगेशन जो कि समुद्र के थ्रू हो रहा है मान लो ये लैंड है ये कोई लैंड है और बीच में यहाँ से ये नदी वगैरह जा रही है ठीक है और यहाँ चारों तरफ बाहर समुद्र तो एक नेविगेशन मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो एक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो कहाँ पे हो जाएगा ये समुद्र में हो जाएगा और एक जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो नदियों के थ्रू भी होगा हमारे देश के अंदर हमारी जमीन के अंदर मतलब जो लैंड है उसमें जो नदियां हैं उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन सकता है तो ये जो हमारी नदियों में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है उसे हम इनलैंड नेविगेशन कहते हैं या इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इनलैंड वाटरवेज तो इनलैंड जो नेविगेशन है उसके लिए भी जो डैम्स है वो काफी मदद करते हैं फिश ब्रीडिंग के लिए मतलब कि यहाँ पे मछली पालन जो है काफी अच्छा हो जाता है तो उसके लिए भी डैम्स हमें हेल्प करते हैं हैंस डैम्स आर नाउ टू एज वेयर द मेनी यूजेस ऑफ एम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनादर तो इसीलिए अब क्योंकि देखो डैम्स जो है वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे काम कर रहे हैं और इसीलिए डैम्स को हम क्या कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये ऐसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मल्टीपर्पज हैं, जो कि बहुत सारे कामों में हमें हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए इसे बनाया जाता है और जो भी इम्पाउंडेड वाटर है जो भी इकट्ठा हुआ पानी है वो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और जो अलग अलग यूजेस हैं वाटर के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन सतलज बी रिवर बेसिन The भाकरा नांगल प्रोजेक्ट वॉटर इज बीज बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इशन अब अगर जो सतलुज और रिवर पे यहाँ पे जो भाकरा नांगल प्रोजेक्ट बना हुआ है मतलब जो डैम बना हुआ है उसकी मदद से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइडल पावर की प्रोडक्शन भी हो रही है मतलब कि डैम्स की मदद से बिजली की भी प्रोडक्शन हो रही है डैम्स की मदद से बिजली कैसे बनती है मान लो ये डैम्स है और यहाँ से नदी आ रही है ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा कि जो जो पानी जाएगा जो पानी है जब वो यहाँ से जाएगा तो बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा जैसे आपने देखा होगा कि ये डैम्स जो है उसमें से बहुत तेजी से नीचे पानी गिरता है अब नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है यहाँ पे नीचे जनरेटर्स लगे रहते हैं टर्बाइन लगे रहते हैं और ये जो टर्बाइन हैं ये पानी के बहाव से क्या होते हैं घूमते हैं और उस टर्बाइन के घूमने से बिजली बनती है तो पानी की मदद से ये डैम्स की मदद से क्या हो रहा है बिजली बनती है तो इसे हम हाइड्रोल पावर प्रोडक्शन कहते हैं तो ये जो भाकरा नांगल प्रोजेक्ट है इसकी वजह से क्या हो रहा है बिजली की प्रोडक्शन भी हो रही है और इरिगेशन भी हो रही है कि जो आसपास वाले इलाके हैं वहां तक इरिगेशन के लिए सिंचाई के लिए यहाँ से पानी जाता है सिमिलरली द हीराकोंड प्रोजेक्ट इन महानदी बेसिन इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल और इसी तरीके से अगर हम हीराकों प्रोजेक्ट को देखें जो कि महानदी बेसिन पे बना हुआ है वहां पे भी जो वाटर का कंजर्वेशन है वो किस चीज से इंटीग्रेट हो रहा है कि भाई एक एक तरफ तो डैम बनाए हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए पानी को बचाने के लिए दूसरी तरफ इस चीज का फायदा मतलब डैम का फायदा एक और चीज के लिए हो रहा है वो है फ्लड कंट्रोल तो पानी भी कंजर्व हो रहा है और फ्लड भी बाढ़ भी कंट्रोल हो रही है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वेयर थॉट ऑफ एज द वाइकल दैट वुड लीड द नेशन टू डू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ओवरकमिंग हैंडी कैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट अब इंडिपेंडेंस के बाद जब हम, जब हम हम आजाद हुए तो उसके बाद बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए गए और जब ये जो प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग एम रख के जब शुरू किए गए कि भाई ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो हम डैम बना रहे हैं इससे हमें इरिगेशन के लिए फायदा होगा इससे हमें डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज के लिए फायदा होगा ठीक है तो हमने बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट्स है वो शुरू किए थे हमने सोचा था कि ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करेगा कि मतलब बहुत सारे तरीकों से हम वाटर को मैनेज कर पाएंगे हमारी हेल्प करेंगे डैम्स तो इस तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है शुरू किए गए थे और इन डैम्स को इन प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से सोचा गया था कि ये एक तरीके से हमारे देश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए वाहकल है मतलब ये ऐसी गाड़ियां हैं ऐसे वहीकल हैं जो कि हमारे देश को तरक्की की तरफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे ओवरकमिंग हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट मतलब कि ये जो डैम्स हैं ये जो मल्टीपरप प्रोजेक्ट हैं इनकी मदद से क्या होगा हम हमारे कॉलोनियल पास्ट में हमने जो भी दिक्कतें झेली हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हमने झेली थी कॉलोनियल पास्ट में अब उन चीजों को ओवरकम करके उन कमियों को ओवर का सामना करके हमारा जो देश है वो प्रगति की तरफ जाएगा इन प्रोजेक्ट्स की मदद से जवाहरलाल नेहरू प्राउडली of मॉडर्न इंडिया और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बहुत ही गर्व से ही ये चीज बोली थी कि ये जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, ये टेम्पल्स है मॉडर्न इंडिया के मतलब कि ये जो आधुनिक भारत है इसके मंदिर है डैम्स मतलब कि डैम्स इतने ज्यादा बेनिफिट देते हैं इतना ज्यादा इनका फायदा था जवाहरलाल नेहरू ने इनकी इतनी इंपॉर्टेंस समझी कि उन्होंने

एग्रीकल्चर कब डेवलप करेगा जब प्रॉपर इरिगेशन होगी जब प्रॉपर उसको खेती को पानी मिलेगा फसल की प्रोडक्शन के लिए तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा बिजली आएगी तो भी एग्रीकल्चर को हेल्प होगी आज भी जो एग्रीकल्चर है जो खेती है उसमें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बिजली का इस्तेमाल होता है ठीक है तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा इसके साथ साथ विलेज इकोनॉमी जो है मतलब गाँव की जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ डेवलप करेगी उसके साथ और ज्यादा इंटीग्रेट करेगी कि भाई एक तरफ जो हमारी विलेज इकोनॉमी है वो बढ़ रही है गांव वाले इलाके बढ़ रहे हैं और वो साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ चल रहे हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमारी जो विलेज इकोनॉमी है वो चलेगी और अर्बन इकॉनॉमी जो है वो भी ग्रो करेगी सो so ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इसकी वजह से क्या होगा दोनों ही चीजों को फायदा होगा विलेज इकोनॉमी को भी फायदा होगा एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी और ज्यादा बढ़ेगी और अर्बन इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा अब यहाँ पे इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है जिसके बारे में मोर स्पेसिफिकली डैम की बात की गई है कि भाई डैम क्या है अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग अ रिटारो लेक और क्रिएटिंगमेंट अब जो चीज मैंने ऑलरेडी आपको दो तीन बार बता चुकी है वही यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डैम है वो एक तरीके से बैरियर है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर कि यहाँ से बहती हुई नदी आ रही है ठीक है ये बहती हुई नदी है फ्लोइंग वाटर है अब इसके ऊपर अगर हम एक बैरियर लगा देते हैं तो ये क्या है यही डैम है और ये जो बैरियर है ये क्या करेगा ये जो बहता हुआ पानी है इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इसको रोकेगा इसको डायरेक्ट करेगा मतलब कभी कभी इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए नदी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी डैम्स का इस्तेमाल होता है रिटार्ड करता है फ्लो रिटार्ड मतलब उसको स्लो कर देना ये जो पानी का बहाव है इसको थोड़ा स्लो कर देना मान लो यहां से बहुत तेजी से बहते आ रहा है तो, तो डैम तो तो के बाद इसके पानी को रेगुलेट किया जाएगा और इसके बाद जो पानी है वो स्लो स्लो बहेगा ठीक है तो इसको रिटार्ड कर देना इसके फ्लो को ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्व लेक और इंपाउंडमेंट मतलब की जब डैम बनता है तो ज्यादातर क्या होता है यहाँ पे जो डैम बनाया गया है उसके पीछे यहाँ पे ज्यादातर क्या बनता है या तो रिजर्व बन जाएगा या तो लेक बन जाएगा या इंपाउंडमेंट इम्पाउंडमेंट मतलब भी एक तरीके से रिजर्व ही है कि यहाँ पे पानी रुक गया है इकट्ठा हो गया है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो यहाँ नदी आ रही है बहती बहती तो यहाँ पे एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहाँ पे नदी का पानी इकट्ठा होने लगेगा एक साथ बहुत ज्यादा और फिर इसके बाद डैम के बाद उस इकट्ठे हुए पानी को बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से आगे भेजा जाएगा

ज्यादातर डैम्स में एक सेक्शन होता है जैसे कहा जाता है मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि डैम्स के गेट होते हैं डैम्स के गेट खुल गए तो ज्यादातर डैम्स में ये सेक्शन रहता है जिसे स्पिलवे कहते हैं जिसके थ्रू पानी जो है मान लो ये डैम है ये जो है ये डैम है और इसमें कुछ यहाँ पे ऐसे गेट वगैरह होंगे पैसेज होगा जिसके थ्रू पानी जो है ये यहां से दूसरी तरफ जा सके या तो मतलब या तो बीच बीच में पानी जा सके कि भाई थोड़े एक घंटे के लिए पानी चला गया फिर रोक दिया गया फिर थोड़ी देर बाद पानी चला गया या फिर बहता रहेगा थोड़ा थोड़ा ठीक है तो बेसिकली या फिर wear, वो एक तरीके से सेक्शन uh, है एरिया है इस डैम में जिसके थ्रू पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है वो भी बहुत ही कंट्रोल मैनर में डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इंटेंडेड पर्पज और हाइट अब जो डैम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है उनके पर्पस के बेसिस पर कि भाई किस पर्पस के लिए वो डैम बनाया गया है उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है कि क्या उसकी हाइट है इस सब चीज के बेसिस पर डैम्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड डैम्स आर डैम्स अब अगर हम उस डैम को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें तो एक तरीके के डैम्स होते हैं टिम्बर डैम मतलब एक तरीके से लकड़ी से बने हैं दूसरे होते हैं एम्बैंकमेंट डैम और मेसौंड्री डैम एम्बैंकमेंट या फिर मेसौन्ड्री डैम वो वाले डैम होते हैं जो कि पत्थर वगैरह से बने हैं जो कि नेचुरल मटीरियल से बने हैं स्टोन वगैरह हो गए है ना तो इन सब चीजों से जो डैम्स बनाए जाते हैं उन्हें एम्बैंकमेंट डैम या मेसोंड्री कहते हैं अब इनके भी आगे और बहुत सारे सब टाइप होते हैं और भी और बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती हैं अकॉर्डिंग टू हाइट अब अगर हाइट के बेसिस पे बात करें तो डैम्स कैन बी एज लार्ज डैम्स एक तरीके के डैम्स हो सकते हैं लार्ज डैम मतलब ऐसे डैम जो कि बहुत बड़े हैं मेजर डैम्स मेजर डैम भी ऐसे डैम्स है जो कि बड़े डैम्स हैं और ऑल्टरनेटिवली एज लो डैम्स एंड मीडियम डैम्स एंड हाई डैम्स मतलब उनकी हाइट के बेसिस पे हम इन्हें लो डैम्स मीडियम हाइट डैम्स या हाई डैम भी कह सकते हैं जैसे लार्ज डैम हो गया मेजर डैम हो गया लो डैम मीडियम हाइट डैम हाई डैम ये सारे क्या हैं उसके हाइट के बेसिस पे डैम की क्लासिफिकेशन है तो नाउ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डैम्स क्या है और वो किस तरीके से बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए बहुत ज्यादा अलग अलग पर्पजेस के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं बट अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सब कुछ डैम्स के बारे में बहुत ही अच्छा नहीं है कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी है कि भाई डैम्स जो हैं कहीं पे हमें मतलब कुछ तरीके से हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे